उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर टोल नाके के पास प्लास्टिक के कट्टों में 595 कार्टून अवैध शराब पकड़ी गई है। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक 6-चक्का कंटेनर जा रहा था और उसे रुकवाया और पूछताछ की तो बताया कि प्लास्टिक के कट्टे हैं। शक बढ़ा और जांच की तो कट्टों में अवैध शराब के कॉटन मिले। मामला उदयपुर अहमदाबाद हाईवे का है, जहां पर खाड़ी ओबरी टोल नाके के पास आबकारी विभाग ने अवैध शराब कंटेनर से पकड़ी है। आबकारी निरोधक दल जोन उदयपुर के आबकारी अधिकारी देवेंद्र दशोरा ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि अवैध शराब गुजरात जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर खांबी ओबरी टोल नाके पर वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कंटेनर को रुकवाया और चालक के जवाब पर संदेह हुआ। कंटेनर की जांच की गई तो उसमें प्लास्टिक के कट्टे भरे थे। अंदर खोल कर देखा तो शराब के कार्टन भरे थे। टीम ने चालक से बिल्टी मांगी तो वो भी फर्जी निकली। टीम ने कार्टन की गिनती की तो गुजरात जा रहे इस कंटेनर में 595 कार्टन बरामद किए गए। दशोरा ने बताया कि शनिवार देर रात कार्रवाई में वाहन चालक भीम क्षेत्र के जयनगर निवासी माल सिंह रावत और सह चालक भिलवाड़ा के असीन के छोटा खेड़ा निवासी पीरू भील को गिरफ्तार किया गया है। दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। टीम में बंशीलाल, पुष्पकांत, सोहनलाल, ईश्वर, राम सिंह, मनोज ढाका आदि शामिल थे।